मम्मा ये क्या कर रही हो आप रात में 11:30 बजे आटा लगा रही हो? मिठाई बना रही हूँ, मिठाई खाओगी? रात में मिठाई? कुछ समझ नहीं आया। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं ना जो लेट नाइट आते हैं, उसी के लिए मिठाई बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं ज़्यादा लंबी बातें तो खैर अब नहीं करूँगी। देखिए, अक्सर हमारे घरों में कॉकरोच वगैरह होते हैं, छिपकली बहुत आती है, मक्खी भी आती है, मच्छर भी आते हैं। तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे, और मैंने ना एक दिन ऐसे फेसबुक पे अपने पेज पर कुछ लोगों से, ऐसे आप सभी लोगों से मैंने पूछा कि भाई जो कॉकरोच आते हैं इनका कोई इलाज है तो बताओ। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे आइडिया शेयर किए कि आप ये वाली चीज़ लगा लो, आप फलानी चीज़ लगा लो। और मेरे घर में बिलीव नहीं करेंगे, जो ये होते हैं ना हिट, इनका स्टॉक रहता है पूरा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में कॉकरोच मेरे घर में हो रखे हैं कि रात में अंधेरा, एक बार बस आप लाइट बंद करो तो फिर आप देखो पूरे किचन टॉप पे, काउंटर टॉप पे आपको कॉकरोच ही मिलेंगे। और ये हर रूम की कहानी है। एक तो रीज़न ये कि हमारा किराए का घर है, दूसरा जो कॉकरोच होने का सबसे बड़ा रीज़न है, हमारे पास बहुत सारे कार्टन हैं जिसकी वजह से कॉकरोच हो जाते हैं। देखिए ऊपर में आप अभी भी देख सकते हैं, किचन में कार्टन है। अब जैसे वो कार्टन रखे हैं ना, रात में जैसे मैं लाइट बंद करूंगी, वहां से धीरे 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 कॉकरोच निकल के आएंगे। कई सारे एरिया ऐसे हो गए मेरे घर में जहां पर मुझे पता है कि यहां कॉकरोच 100% होंगे। इनफैक्ट फ्रिज की जो रबड़ होता है ना, मैंने एक दिन ऐसे खोला फ्रिज की रबड़ के अंदर भी मुझे छोटे छोटे बिल्कुल न्यूबॉर्न कॉकरोच मिले। तो फिर मैंने यही चीज़ ना पूछी थी अपने फेसबुक पेज पे एक वीडियो के अंदर कि भाई मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे कॉकरोच चले जाए। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ मुझे मिले, हीट वगैरह का आइडिया किसी ने नहीं दिया, बिकॉज हीट आप लगाओ वो तुरंत मर जाते हैं लेकिन फिर से निकल जाते हैं। तो फिर किसी ने मुझे बोला, बहुत सारे कॉमेंट थे कि बोरिक पाउडर लेकर आओ। तो ये बोरिक पाउडर क्या होता है मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम मैंने नाम भी सुना था। तो फिर मैंने ये बोरिक पाउडर अमेजन से ऑर्डर किया, उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया। ट्रस्ट मी फ्रेंड, इतना इफेक्टिव है ना ये। इसको मैंने दो दिन सिर्फ हुए हैं मुझे यूज़ करते हुए, और आज मैं थर्ड डे इसको रखूँगी। इतना इफेक्टिव है ना ये कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जैसे मेरे घर में कॉकरोच आते थे ना रात में, अब एक भी कॉकरोच नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आते। ऐसा लग रहा है कि जैसे ख़त्म, बिल्कुल चुटकी बजाई और सब कुछ ख़त्म, ऐसा हो गया है। तो एनीवेज इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ऐसा निकलता है अंदर से जैसे कि मैदा हो, एकदम वाइट कलर का। अब इसके ऊपर जो मुझे फेसबुक पे लोगों ने बोला, उसमें बोला था कि आप इसके अंदर मैदा मिलाओ, इसका डो बनाकर जहाँ कॉकरोच आते हैं वहाँ रख दो। तो मैंने मैदा नहीं मिलाया, मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं ना उसी में लिखा था कि चीनी मिलाओ इसके अंदर। तो मैंने 2 चम्मच लिया है ये बोरिक पाउडर, 1 चम्मच मैं इसके अंदर चीनी मिलाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसमें मिला दी है चीनी। तो मैंने 1 टेबल स्पून चीनी इसमें मिलाई है, और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है बोरिक पाउडर। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना इसका डो बनाएंगे, और ये आपको रात में सोने से पहले ही करना है क्योंकि रात में ही कॉकरोच आते हैं, रात में आतंक होता है उनका। एनीवेज इसको थोड़ा सा डो जैसा बना लूं। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको गूंथ लीजिएगा, एकदम जैसे हम गेहूं का आटा लगाते हैं, मैदा गूंथते हैं, ऐसे गूंथकर तैयार हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। आजकल हर घर में कॉकरोच हो रखे हैं, हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं है जहां कॉकरोच की शिकायतें ना आती हो। छिपकली, इतना डर लगता है छिपकली से, तो वो भी नहीं आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने इसका थोड़ा सा आटा भी मिला लिया है क्योंकि थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था इसमें। अब क्या करेंगे, तो ये देखिए हमने इसकी छोटी छोटी ऐसे गोलियाँ बना लेंगे, छोटी छोटी गोलियाँ, और जहाँ पर भी आपके किचन में ज़्यादा कॉकरोच आते हैं वहाँ पर हम इसे रखेंगे। तो जैसे देखिए मैं ना अभी इसको एक बोल कर रखूँगी ऐसे ऊपर यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉकरोच ना यहीं से निकलते हैं मेरे घर में। और दूसरी तरफ भी, ये जो एरिया देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ, यहाँ पर बहुत कॉकरोच आते हैं इस एरिया में। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लगाया, तो बेसिकली ये फूड है उनको, ये जो स्मेल है ना इस फूड की, वो उनको अट्रैक्ट करेगी कॉकरोच को, फिर वो उसे खाने के लिए आएंगे और सुबह आपके किचन में ना लाइन मिलेगी। तो जिस भी एरिया में कॉकरोच आते हैं उस एरिया में छोटे छोटे बोल्स बना के रख दीजिएगा, और इसको बच्चों के पहुँच से दूर रखें। ये जब आप इस्तेमाल करती हैं तब करें, उसके बाद इसे हाइटेड एरिया पर रख दीजिएगा। तो ये बहुत इफेक्टिव है, आप इसे ट्राई करिएगा, आपको 100% फायदा होगा। छिपकली नहीं आएंगी, कॉकरोच नहीं आएंगे, मच्छर मक्खी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैंने इसको ट्राई किया है, यूज़ कर रही हूँ 2 दिन से, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं।